हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंटीग्रल कैलकुलस पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ बाहर पे एन है ठीक है और अंदर ये सीरीज़ है, तो इसका हमें समेशन फाइंड करना है। तो देखिए, सिमेट्री चाहिए होती है हमें क्वेश्चन में, तो वो सिमेट्री मुझे यहाँ सब दिख रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम रीराइट करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, एन प्लस एन, एन प्लस टू एन। खोलोगे, सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलना है। देखिए कैसे, आप चेक भी कर लो, एन की जगह जो चीज़ वेरी करती है ना उसे हम आर से बोलते हैं। अभी आपको आर टर्म बनाना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ एन प्लस वन था, एन प्लस टू था, यहाँ एन प्लस टू था, एन प्लस फोर हो गया, तो यहाँ एन प्लस एन है तो यहाँ एन प्लस टू एन होगा। वेरी आपकी ये चीज़ें कर रही हैं ठीक है। तो आर जो आपका कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेकर एन तक का है, तो आर विल टेंड्स टू वन टू एन। ओके, ये चीज़ देखनी जाती है। तो आर टर्म क्या है हमारा, देखिए यहाँ तो एन फिक्स है, ये लिख दिया, जो चीज़ें वेरी करते हैं उसको आर बोलते हैं, तो एन प्लस आर, एन प्लस टू आर ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको फंक्शन जो बनाना होता है वो इस रूप में बनाना होता है, वन अपोन एन चाहिए ही चाहिए होता है, और फंक्शन आर अपोन एन के रूप में होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आर बट एन चाहिए, तो मुझे यहाँ से बट्टे में एन चाहिए आर के, तो मैं एन क्या करूँगा, यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा और यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा, ये निकाल दिया, एक एन से एक एन कट जाएगा, तो बचेगा वन अपोन एन, अंदर ये चीज़ें बचेंगी, तो फंक्शन जिस रूप में चाहिए था वो बन गया। अब लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी आर बटन, आर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वन है, वन पुट करेंगे वन बटन सम इन्फिनिटी ज़ीरो होते हैं, और इसी प्रकार से जो अपर लिमिट आएगी सबसे बड़ी एन पे वो वन आ जाएगी। अब जो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, ये देखिए वन अपॉन एन को निगलेक्ट करना है आपको, यहाँ लगाना है इंटीग्रेशन ज़ीरो से वन, ऊपर आता है dx, वन प्लस एक्स, वन प्लस टू एक्स, क्योंकि r बट्टे एन की जगह पर x रखा जाता है। अब क्या करना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, वो आपको आता ही होगा ठीक। अब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, a b की वैल्यू निकलेगी ऐसी, वो चीज़ आप कर लेना, इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग वन प्लस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा लॉग वन प्लस टू एक्स, इसको मानने से ये मिल रहा है ओके। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दोगे आप, सॉल्व करोगे सिंपल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, और लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ से माइनस के था टू बट्टे थ्री, तो पॉजिटिव का करोगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, तो ये आपको आपका आंसर दे देगा।